मैंने फ़्लिपकार्ट से बोन कंडक्शन हेडफोन ख़रीदा है। फ्लिपकार्ट वालों ने कैसे भेजा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये पॉलीथीन के पैकेट में था, उसको मैंने ओपन किया। उसके बाद ये था, इसके अंदर ये बॉक्स था, फिर इस बॉक्स के अंदर ये था और यूज़र मैनुअल, और ये रहा आपका बोन कंडक्शन हेडफोन। ये 3.5 जैक है और ये हेडफोन इस जगह पे आपका वाइब्रेशन होता है और ये कान के साइड में आपको लगाना पड़ता है और वाइब्रेट भी करता है। तो ये प्रोडक्ट का मॉडल नंबर पैनासोनिक एस। फ्लिपकार्ट वालों ने बोला ये हर मोबाइल, हर लैपटॉप, हर टैब पे सपोर्ट करेगा, बट मैंने चेक किया ये लैपटॉप में तो ठीक वॉल्यूम एकदम हाई करने सुनाई देता है, बट मोबाइल पे नहीं सुनाई देता है। और जब उसका प्राइस 3990 है और मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हैं, मैंने 2016 अक्टूबर में ऑर्डर दिया है, लेकिन उन्होंने एक साल मतलब आगे का मॉडल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट 2015 है। और जब मैंने ध्यान से यूज़र मैनुअल पढ़ा तो मैंने देखा कि यहाँ पे साफ लिखा है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी डैट यू कैन नॉट गेट इनफ वॉल्यूम विथ ऑडियो प्लेयर्स एंड स्मार्टफोन अदर देन। यहाँ पे मतलब साफ लिख दिया है कि अगर आप इसको ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और ये बस ये मैनुअल में इतना ही लिखा है। कैसे वेयर करना है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया कि ये आईपॉड और आईफोन में ही आप अच्छा वॉल्यूम पाएंगे। फ्लिपकार्ट वालों ने वेबसाइट पे लिखा है कि आप हर मोबाइल, हर उस पर सपोर्ट है। मैंने मोबाइल पे कनेक्ट किया था सैमसंग के इनफोकस के लीको में, तीनों में वॉल्यूम बहुत ही कम है। मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि आप इसको लैपटॉप में भले यूज़ कर सकते हैं, बट मोबाइल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साउंड इतना कम आता है कि आप सुन ही नहीं सकते। अगर आपके पास आईफोन या आईपॉड है तो ही आप इसे खरीदिए, नहीं तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा मत लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग मोबाइल ही में यूट्यूब गाना सुनते हैं, और लैपटॉप में मुझे नहीं लगता आप लैपटॉप के लिए अलग हेडफोन यूज़ करेंगे और मोबाइल के लिए अलग, तो बेटर होगा इसको आप अवॉइड करिए।